कुमार एक और असामान्य घटना के बारे में बताते हैं। बेंगलुरु की एक महिला को अजीब सी बीमारी थी। मेडिकली इसे डेलिरियम, अचेतन अवस्था में बोलने की आदत कह सकते हैं, लेकिन मुझे उस महिला में कुछ असामान्य सा लगा। जब वह जमीन पर पड़ी हुई थी तो हमने नोटिस किया कि उसके शरीर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से करीब 6 इंच ज्यादा लंबा था। हालांकि यह मसल्स की कई बीमारियां होती हैं, लेकिन 6 इंच का फर्क बहुत ज्यादा होता है और ऐसे मामले मेडिकल में सामने नहीं आए हैं। तेज आवाजें करने वाली आत्मा जिसने एक बच्चे को खूब तड़पाया। यह कहानी कोलकाता शहर के एक परिवार की है। इंडियन स्पेक्टर पैरानॉर्मल सोसाइटी वेस्ट बंगाल के अभिजीत सरकार ने भी अपनी जांच के दौरान पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ा एक खौफनाक अनुभव साझा किया था। वह करीब एक दशक से भूतों प्रेतों की गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं। सरकार बताते हैं, कुछ साल पहले मुझे आधी रात को एक आदमी का फोन आया। वह बहुत ही थके हुए और परेशान लग रहे थे। वह कोलकाता के रहने वाले थे। सरकार के मुताबिक वह आदमी एक बहुत ही अजीब समस्या से परेशान था। वह अपने भतीजे को करीब एक सप्ताह से कुछ खिला नहीं पा रहे थे। उनके मुताबिक जब भी कोई बच्चे के सामने खाना लाता तो खाने के बर्तन उड़कर दीवार से चिपक जाते, जबकि वहां कोई नजर नहीं आता था। आदमी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि ना तो कोई उनका यकीन करता था और ना ही उनकी परेशानी को समझता। हर कोई ऐसी बात सुनकर उनका मजाक उड़ाने लगता था। सरकार ने उनसे वीडियो एविडेंस देने के लिए कहा। जब सरकार ने वीडियो देखा तो पाया कि कुर्सी और चप्पलें बिना किसी के छुए अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी। जब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उसने तीसरे व्यक्ति के तौर पर बात की। उसने यह भी कहा कि दवाइयां उसे ठीक नहीं कर सकती। सरकार ने इस घटना की जांच शुरू की। सरकार ने पाया कि शुरू में बच्चा शांत था, लेकिन जब उन्होंने उससे सवाल पूछने शुरू किए तो वह बहुत तेज चीखने चिल्लाने लगा। 4 लोगों के लिए भी उसे बस में करना असंभव था। सरकार की टीम ने चाय बनाई और उसमें जादुई नमक डाला। बड़ी मुश्किल के बाद बच्चे को चाय पिलाई गई और तब जाकर वह शांत हुआ। सरकार ने जब बच्चे के अंदर रह रही आत्मा से सवाल पूछने शुरू किए तो उसने बताया कि अगर उसने बच्चे का शरीर छोड़ा तो वह जलकर राख हो जाएगा। उसने यह भी बताया कि परिवार के ही किसी जानने वाले ने उस बच्चे के अंदर प्रवेश करने के लिए काला जादू किया था। इस बातचीत के दौरान स्पिरिट बेचैन तो थी, लेकिन हिंसक गतिविधियां नहीं की। इससे उसके पेरेंट्स को लगा कि साल्ट टी से बच्चा ठीक हो गया। वे अपने बच्चे को लेकर चले गए। मुझे नहीं पता कि बाद में उस बच्चे का क्या हुआ। एक महिला जो 15 मिनट बाद की घटनाओं की कर देती थी भविष्यवाणी। इंडिपेंडेंट पैरानॉर्मल रिसर्चर निर्वाण आनंद एक अजीब वाक्य को याद करते हैं। वह बताते हैं कि मुंबई के पंचग्नि की एक महिला दावा करती थी कि अगले 15 मिनट में क्या होने वाला है उसे स्पष्ट तौर पर देख सकती है। वह बहुत ही ज्यादा हाइपरएक्टिव थी और उसके घर वाले बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे कि उसके साथ क्या हो रहा था। पहले तो घर वालों ने उसे सीरियसली ही नहीं लिया, उन्हें लगा कि वह उसके साथ मजाक कर रही है। लेकिन जब उसने बताया कि अगले 15 मिनट में क्या होने वाला है और वही घटनाएं अगले 15 मिनट में हुई तो घर वालों के होश उड़ गए। जल्द ही उसने खाना पीना बंद कर दिया। उसका इलाज करने की कोशिश की गई लेकिन कुछ काम नहीं आया। महिला को एक पवित्र ताबीज दिया गया और दैवीय शक्तियों से संबंधित चीजें दी गई, तब जाकर आत्मा ने उसका शरीर छोड़ा। एक आत्मा जो अपने रेप और मर्डर का बदला लेना चाहती थी। आनंद का सामना एक और अजीब मामले से हुआ था। महाराष्ट्र के मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में करीब 9 सालों से एक लड़की का इलाज हो रहा था, पर वह ठीक होने के बजाय दिन पर दिन हिंसक होती जा रही थी। जब आनंद ने उससे मुलाकात की तो वह कांप रही थी और गुस्से में थी। आनंद बताते हैं, उसे किसी आत्मा ने पजेस कर लिया था। यह आत्मा एक महिला की थी जिसका रेप हुआ था और उसके बाद हत्या कर दी थी। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि वह इस तरह से लड़की को उसी तरह टॉर्चर कर रही है जैसे उसे किया गया था, क्या उसे वह दर्द याद है, तो फिर बेवजह वह किसी लड़की को क्यों परेशान कर रही है। वह उस लड़की के शरीर के जरिए अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी। आनंद कहते हैं, हालांकि इस तरह की आत्माओं से छुटकारा पाना आसान नहीं था, लेकिन यह जानकर कि उसके गुनहगारों की मौत पहले ही हो चुकी है, उसने शरीर को छोड़ दिया। आनंद बताते हैं कि अब वह लड़की अमेरिका में रह रही है। आनंद का मानना है कि हर आत्मा बुरी हो यह जरूरी नहीं है। कई बार जिंदा रहते हुए उनकी बहुत बुरी चीजों से गुजरना पड़ता है और इसीलिए मौत के बाद भी वह आत्मा के रूप में भटकती रहती है।